दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत कल रात 10 बजे से हो गई थी। तस्वीरें कालिंदी कुंज बॉर्डर की हैं, जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब चेकिंग अभियान दिल्ली पुलिस का लगातार शुरू हो चुका है। नोएडा से दिल्ली की तरफ लोग आ रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं और उनकी जारी हुए ई पास को देख रहे हैं। जिनके पास कर्फ्यू का पास है उन्हें जाने दिया जा रहा है, वरना बाकी लोगों को जिनके पास ई पास नहीं है उनके ऊपर 188 धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था, अब जिसके मद्देनज़र सिर्फ असेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग ही इस कर्फ्यू के दौरान रोडों पर चल सकते हैं। मगर जिनके पास ई पास नहीं है या फिर कोई वैलिड रीज़न नहीं है सड़कों पर घूमने का, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रियाजुल इस्लाम सर, नोएडा से मैं फरीदाबाद जा रहा था जी। वहाँ मेरा स्टिचिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ बड़ार में मेरे को रुकवा दिया, मुझे जाने नहीं दिया, वापस भेज दिया मेरा नोएडा। क्या आपके पास ई पास नहीं था? सरकार ने जो है दिल्ली के अंदर जो है कर्फ्यू लगाया गया है, दो दिन का वीकेंड कर्फ्यू है, आपको पता है उसके बाद कर्फ्यू, आपने पास नहीं लिया? कोई पास नहीं मिला सर, कहीं से पास नहीं मिला। तो आप वापस अब नोएडा जा रहे हैं? आप वापस नोएडा जा रहा हूँ सर। तो अभी आपको वापस का रास्ता दिखा दिया? करवा दिया मुझे, कह रहा काफी लगाया, अब नहीं जा सकते। तो नोएडा से कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था फरीदाबाद सर जी, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके फरीदाबाद जाना था, तो मुझे वापस कर दिया। बता दीजिए वरुण जी, आप यहाँ से कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आपके पास ई पास नहीं है तो क्या है, क्या बोला गया आपको? तो आपको जो है वापस जा रहे हैं दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत कल रात 10 बजे से हो गई थी। इस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अब कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। और ये वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें कई सारी पाबंदियाँ हैं। तस्वीर आप साफ देखते हैं कालिंदी कुंज की है, किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। लगातार जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन पर चेक किया जा रहा है, उनके पास ई पास है कि नहीं, जिनके पास ई पास है उनको जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों पर 188 के तहत कार्रवाई हो रही है, जो कि दिल्ली पुलिस कर रही है। तस्वीर आप कालिंदी कुंज की दे रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जाम की स्थिति भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनको ये मालूम नहीं था कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि नोएडा में अभी स्थिति देखी जाए तो कोई किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई पाबंदियाँ नहीं है, लेकिन दिल्ली में दूसरी तरफ और वीकेंड लॉकडाउन है, उसको देखते हुए कुछ लोगों को पता नहीं था तो उनको जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो दिल्ली में आए और उनसे ई पास मांगा जा रहा है। अब कई लोगों के पास ई पास है, कई लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिनके पास ई पास नहीं है उनको 188 के तहत कार्रवाई उन पर करी जा रही है। और ये लॉक जो ये वीकेंड कर्फ्यू है ये दिल्ली सरकार द्वारा लगाया गया है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को